आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में बिहार का हम लोग 150 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री, बिहार इतिहास कर सकते हो, बिहार भूगोल कर सकते हो, या बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने वाले आने वाले हैं उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें से आप समझो कि 203 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन फिक्स ही समझ लो, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है पूरा मिक्सअप है, ठीक है ना। इसमें हर टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले बीपीएससी एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, बिहार की स्वतंत्रता के बाद बिहार को कब भारत का राज्य बनाया गया? तो ये बिहार का भारत का राज्य बनाया गया था कब? 26 जनवरी 1950 का, जब देश का संविधान लागू हुआ था तब। ये बात याद रखिएगा, उस समय ही बिहार को भारत जो है अपना राज्य बनाया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है बिहार राज्य की राजधानी? क्या है? तो पटना है। मैं ए टू जेड सारा क्वेश्चन को यहाँ पर उठाने वाला हूँ। तो बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई है? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई है। कब हुई है? 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य की स्थापना हुई है। बिहार राज्य का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम था, वह मगध था। क्या है? मगध है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। बिहार राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 243 जो है विधानसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार राज्य में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? तो 243 याद रखिएगा, विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 243। और बिहार में कुल कितने लोकसभा के सदस्य हैं? तो 40 याद रखिएगा। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 38 जिला है, ये बात याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कैमा सबसे बड़ा राज्य है? तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार जो है 12 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर बर्मा जो है सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य जो है कैमा स्थान है? तो यह जो है तीसरा स्थान है, ठीक है ना। बिहार जो है तीसरा स्थान है जनसंख्या के अनुसार से पूरे भारत में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। अगर भारत का पूछता है कि भारत में कौन सा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो वह है राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला है शिवहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार राज्य में सबसे बड़ा जिला जो है वो पटना है। क्या है? पटना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला क्या है? तो शिवहर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में किस जिलों की जनसंख्या सबसे कम है? जनसंख्या की बात करें तो शेखपुरा में कम है, बट क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो शिवहर है, ये बात याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है बिहार का सबसे छोटा? तो शिवहर। और जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? तो शेखपुरा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछे तो पटना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10 करोड़ 38 लाख है। कितनी है? 10 करोड़ 38 लाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार राज्य का प्रथम राज्यपाल जो थे वह जयराम दौलतराम थे। कौन थे? जयराम दौलतराम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्री कृष्ण सिंह थी, ये तो आप सभी को पता होगा। बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह नीतीश कुमार होगा, बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो अभी तक जो है राबड़ी देवी ही बनी है और वही प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। बिहार राज्य की राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल का वृक्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है, पुष्प क्या है? तो यहाँ पर गेंदा का पुष्प है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। 2011 के जनगणना के अनुसार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। बिहार राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर। शिवहर में सबसे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर जो है 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के दर पर है, ठीक है ना, 1 किलोमीटर में इतना व्यक्ति रहते हैं शिवहर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और शिवहर में ही जिनका जो एग्जाम सेंटर भी पड़ा होगा बहुत सारे स्टूडेंट का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व जो है वह कौन सा है?
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर। कैमूर में जो है 1 किलोमीटर में 488 लोग ही रहते हैं, इसलिए ज़्यादा वन का क्षेत्र पाया जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वन वाला क्षेत्र जो आएगा सबसे ज़्यादा कहाँ है बिहार में, तो कैमूर ही पर टिक लगाइएगा, ठीक है ना। 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की लिंग अनुपात कितना थी? तो 918 थी। कितना थी? 918 थी, ठीक है ना, लिंग अनुपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रणधीर वर्मा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर रणधीर शर्मा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बिहार राज्य उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? तो पटना में है। कहाँ है उच्च न्यायालय? तो पटना में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य के पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है ना, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड चमियार थे। कौन थे? सर एडवर्ड चमियार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में। और ये भी पूछेगा पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1917, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय पूछे तो 1916 और संग्रहालय पूछे तो 1917। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजहरुल हक थे। बिहार राज्य में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजहरुल हक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में किसान सभा की स्थापना कब और किसने किया है? तो किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने। वो कब किया था? तो 1929 में किसान सभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में स्वराज दल की गठन कब हुआ? तो 1923 में हुआ था। स्वराज राज्य के गठन कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य परिषद का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार से अलग होकर बिहार एक पृथक प्रांत कब बना? तो 1912 में बना। कब बना? 12 में। बंगाल से अलग होकर बिहार एक पृथक प्रांत कब बना? 1912 में। बिहार में असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1929 ईस्वी में हुआ था असहयोग आंदोलन, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। 1929 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म 24वें एवं अंतिम तीर्थकार भगवान महावीर का जन्म जो है बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो कुंडाग्राम हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में। जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है ना, कुंडाग्राम 24वें और अंतिम जो थे तीर्थकार थे भगवान महावीर। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बोधगया। विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? बोधगया में। बिहार राज्य में स्थापित प्रथम बैंक कौन थे? तो इलाहाबाद बैंक। कौन थे? इलाहाबाद बैंक। अगला क्वेश्चन थे, बिहार राज्य में सर्वप्रथम नौ पाषाणकालीन अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? तो चिराद में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चिराद में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हर्ष हितैषी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है बिहार राज्य में प्रकाशित होने वाले पहला हिंदी समाचार पत्र? ये तो दैनिक समाचार पत्र की बात क्या है, तो सर्व हितैषी था, लेकिन पहला हिंदी समाचार पत्र पूछे तो बिहार बंधु था, बिहार बंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो 63.8% है। कितनी है? 63.8% है। बिहार राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर 63.8% है। पुरुष का जो साक्षरता दर था 73.39 था और महिला की बात करें तो 53% था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। कौन है? रोहतास है, जिसमें 75.59% था, लेकिन कम जो है वह सबसे कम पूर्णिया में थी 52.49। आई होप कि ये 50 क्वेश्चन जो है आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा। और 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो नेक्स्ट का जो 50 क्वेश्चन है ये मैं कराऊँगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना। इसलिए चैनल के साथ जुड़िएगा, सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिस में क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।